बिरादर नहीं देखते थे, ठाकुर हो चाहे बाबन हो चाहे मौर्य हो चाहे खुशबाहा हो चाहे यादव हो, कोई भी बिरादर के लिए वो काम अच्छे करते थे। 65-65 मुकदमे दर्ज हो जाते हैं ऐसे लोगों के ऊपर। अरे आप गांव में रहते हैं, अपने भाई से झगड़ा हो जाता है तो मुकदमा नहीं होता है? सारे मुकदमे जो अब ट्रायल चल पेंडिंग थे सब में 120 बी में उनको मुलजिम बना दिया गया है। आप मरहूम मुख्तार अंसारी जी की बात कर रहे हैं, तो मुख्तार अंसारी जी माफिया नहीं है, वो तो गरीबों के मसीहा थे। शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, कातिले ही मुजलिम है, कातिले सिपाही है। अगर गरीबों के मसीहा थे तो 65 मुकदमे दर्ज हो जाते हैं जिसमें 18 मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने मऊ में दिया कि साहब हमको जहर दे दिया गया है, और 20 तारीख को अप्लीकेशन पड़ी है मऊ में, रिपोर्ट मांगी गई है कि जहर दिया गया कि नहीं। मित्रों नमस्कार, हमारी मौजूदगी है इस वक्त गाजीपुर में, और गाजीपुर में मुख्तार अंसारी से बहुत करीब से जुड़े हुए एक व्यक्ति हमारे साथ हैं, उनके एडवोकेट लियाकत अली जी, इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कहेंगे, मुख्तार अंसारी को मसीहा मानते हैं या फिर माफिया? देखिए, हम तो उनके अधिवक्ता थे और मैं कानूनी बात जो है आपको बता सकता हूँ, और मसीहा तो हम अकेले नहीं कह सकते, ये तो मऊ में जो है 1996 से लगातार वो सदर विधायक चुने जाते थे और जेल में भी रह करके और वो विधायक चुने गए हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो माफिया थे। पूरे जनता, हर बिरादरी के लोग उनको मानते थे और सब जनता उनको मसीहा कहती है, और आज जो उनके जनाजे में 3 लाख की भीड़ जो जुटी थी वो उनके डर से नहीं जुटी थी, वो उनको मानती थी, और सारी बिरादरी के लोग जो 3 लाख उनके जनाजे में इकट्ठा हुए थे वो उनके मोहब्बत में इकट्ठा हुए थे, और सारी बिरादरी के लोग इकट्ठा हुए थे, जिससे ये साफ जाहिर है कि वो माफिया नहीं थे, वो मसीहा थे, वो लोगों के दिल में बसे थे। हाँ, वो शेरे दिल थे, वो शेरे दिल कहे जाते थे, हर आदमी उनको शेर दिल कहता था। किस प्रकार के और कैसे कैसे कितने मुकदमे दर्ज थे उनके ऊपर? देखिए, मुख्तार अंसारी के ऊपर जो है जो भी मुकदमा था 25 अक्टूबर 2005 से पहले का जो था वो सब में बरी हो चुके थे, और मुख्तार अंसारी जब 25 अक्टूबर 2005 को जेल चले गए तो अब तक वो जेल में ही निरुद्ध थे, तो जेल में रहते हुए सारे मुकदमे में 120 बी में उनका नाम डाल दिया जाता था, वो जेल में थे और 120 बी में सारे मुकदमे में उनको मुलजिम बना दिया जाता था। उनकी गिरफ्तारी से पहले कितने मुकदमे थे उनके ऊपर? देखिए, गिरफ्तारी से पहले का मुकदमा तो 20-25 मुकदमा उनका रहा होगा, जो गिरफ्तारी से पहले था सब में बरी हो चुके थे। अब इस समय जो है वर्तमान में 15 से 20 मुकदमा कुल 12 बंकी में था, लखनऊ में था, गाजीपुर में था, मऊ में था, ये मुकदमा पेंडिंग था, और आजमगढ़ में, इतने ज़िलों में उनका मुकदमा 15-20 मुकदमा पेंडिंग था, जो 70-80 मुकदमा मीडिया भाइयों द्वारा जो कहा जा रहा है, तो मेरा यह मानना है कि किसी भी मीडिया भाई के पास लिस्ट हो अगर तो वो जरा सा उस लिस्ट को मीडिया के माध्यम से दिखा दें कि 70 मुकदमा पेंडिंग कहाँ कहाँ है। मैं इस बात के लिए उनसे आग्रह करता हूँ सम्मानपूर्वक कि वह लिस्ट दिखा दें, पूरे देश की मीडिया से कह रहा है कि 70-80 मुकदमा की लिस्ट किसके पास है जो पेंडिंग है, मुकदमा जो विचाराधीन है, जिसमें कि मतलब कि वो अभी ट्रायल चल रहा है, वो 70-80 मुकदमा की लिस्ट जरा दिखा दें मीडिया भाइयों, और जो मुकदमा बरी हो चुके हैं वह मुकदमा को आप नहीं कह सकते कि उस मुकदमे में वो मुलजिम है। अच्छा, वर्ष 2005 में जब उनकी गिरफ्तारी होती है तो वो कौन सा गुनाह था कि मतलब आज तक उनको बेल नहीं मिल? देखिए, 2005 में मऊ में दा हो गया था,
और मऊ दंगे में कर्फ्यू लग गया था। कर्फ्यू लगने के बाद वहाँ पर जो है उनको मुलजिम बना दिया गया था। तो मुलजिम बनाने के बाद उनको माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि भाई सरेंडर करना है, क्योंकि वो विधायक थे। तो वहाँ पर सरेंडर करने के लिए वहाँ कर्फ्यू में जाने से रोक लगा था, धारा 144 लागू थी। तो उसने बेबस होकर के यहाँ पर गाजीपुर में 307 का मुकदमा था, जिसमें कि 1996 में लंका पर श्री उदय शंकर जायसवाल एडिशनल एसपी गाजीपुर निवर्तमान एडिशनल एसपी द्वारा मुख्तार अंसारी 1996 में बसपा के जिलाध्यक्ष थे, मायावन मायावती जी के पार्टी के जिलाध्यक्ष थे और बसपा कार्यालय मोहनपुरवा से वो अपने जिप्सी से आ रहे थे, मोहम्मदाबाद जा रहे थे। लंका पर जब उनकी गाड़ी पहुंची तो निवर्तमान एडिशनल एसपी श्री उदय शंकर जायसवाल द्वारा उनके जिप्सी में गोली मारी गई AK-47 से, उनका टायर भ्रष्ट हो गया और उसके बाद जो है वो जा करके सरेंडर किए DM आवास पर जाकर सरेंडर किए। तो वह मुकदमा यहाँ पर मोहम्मद हुसैन साहब के FTC फर्स्ट जो गाजीपुर में थे पूर्व में, उनके यहाँ से भी ट्रायल चल रहा था। तो वहाँ मऊ में सरेंडर न करके इस मुकदमे में वो बेल जो है तोड़वा कर यहाँ सरेंडर किए और 25 अक्टूबर 2005 को जेल चले गए। और फिर 29/11/2005 को स्वर्गीय कृष्णानंद राय की हवी बसनिया चट्टी पर 4:00 पर उसमें उनको 120B में फंसा दिया गया। तब से लगातार वो पहला मुकदमा क्या फंसा दिया गया फिर या फिर मुख्य आरोपी ने बनाया गया? देखिए वह जेल में थे, जेल में किसी के पास मोबाइल नहीं होता और पुलिस कस्टडी में उस विधायक थे, कम से कम जो है 25 तो पुलिस उनके साथ थी। तो क्या ऐसे में अदालत में कोई साजिश कर सकता है किसी व्यक्ति के साथ? यह पॉसिबल नहीं है। और उनको कहा गया कि जब 25 अक्टूबर 2005 को जब गाजीपुर कोर्ट में सरेंडर किए तो वह जो है मुन्ना बजरंगी और जो है अताउर रहमान से कहे कि कृष्णानंद राय की हत्या करना है और इस बार बचने न पावे, तो यह कह करके 120B में उनको मुलजिम बना दिया गया। और जो गवाह बने वो भी उनका भी CTR निकाला गया, तो वो मौके पर मौजूद नहीं थे, उनका जो है लोकेशन कहीं और था। तो मुख्तार अंसारी जो है 50 पुलिस कर्मियों के बीच में साजिश करना ये पॉसिबल नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय की ये विधि व्यवस्था है कि कोई भी कॉन्स्पिरेसी एकांत में होनी चाहिए, तभी कॉन्स्पिरेसी मानी जाती है। वह जो है मुख्तार अंसारी को जब 25 अक्टूबर को जेल में भेज दिया गया, उसके बाद सारे मुकदमे जो अब ट्रायल चल पेंडिंग थे सब में 120B में उनको मुलजिम बना दिया गया है। देखिए 120B में किसी को भी मुलजिम बनाने के लिए उसकी जो है वो वार्ता जब तक किसी से नहीं होती है तब तक 120B सिद्ध नहीं हो सकता है। अब वह व्यक्ति जेल में है और उनको 120B लगा दिया गया तो वो सिद्ध नहीं हो सकता। लगातार 19 साल तक जेल में रहे तो क्या बेल मिलने के भी चांसेस थे? देखिए अब तो आजीवन कारावास ही हो गया था कई केसेज में, बनारस में, अवधेश राय में और एक असलहा मामले में आजीवन कारावास हो गया। तो ऐसे में देखिए अब बेल तो माननीय उच्चतम न्यायालय से ही हो सकती थी, संभावना थी हो जाती बेल सुप्रीम कोर्ट से हो सकती थी। अच्छा कब उन्होंने शिकायत करना प्रारंभ कर दिया कि जिस प्रकार की खबरें चल रही हैं कि स्लो पॉइजनिंग की जाती थी? देखिए जब पहली बार न 19 तारीख को ही उनको जहर दे दिया गया था और उसी दिन उन्होंने न्यायालय में 20 तारीख को मऊ में प्रार्थना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उन्होंने कहा, मजिस्ट्रेट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मजिस्ट्रेट से मुख्तार अंसारी ने कहा कि हमको पॉइजन दे दिया गया है। और उसके बाद एप्लीकेशन भी मऊ में पड़ी मजिस्ट्रेट के यहाँ, मजिस्ट्रेट एक गफ्टेड अफसर होते हैं, उनके सामने उन्होंने कहा और मृत्यु के पूर्व अगर कोई व्यक्ति कोई बयान देता है तो उसको डाइन डिक्लेरेशन कहा जाता है कानून में, कि मृत्यु पूर्व कथन
और उसके लिए किसी गवाह की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई व्यक्ति मर रहा है, अगर किसी गस्टेड अफसर के सामने अगर बयान दे दिया कि हमको गोली मारा है फलाने ने या हमको जहर दे दिया गया है जेल में, तो जेल में जब जहर दे दिया गया है तो उसमें यह नहीं कहा जा सकता कि फलाने सिपाही ने जहर दिया है या किसने जहर दिया है। इसके लिए सीधे जेल सुपरिटेंडेंट रिस्पांसिबल होते हैं, क्योंकि जेल की बंदी की रिस्पांसिबिलिटी जेल सुपरिटेंडेंट की होती है, क्योंकि एक नौकर के लिए उसका मालिक जिम्मेदार होता है। सिपाही जितने भी हैं वो सब और जितने कैदी हैं सब की रिस्पांसिबिलिटी जेल सुपरिटेंडेंट की होती है। अगर कोई बंदी पुलिस कस्टडी में और जुडिशियल कस्टडी में रहते हुए पुलिस जेल की कस्टडी में है, तो जेल का जो है जेल सुपरिटेंडेंट उसका कस्टोडियन होता है और सारी रिस्पांसिबिलिटी जेल सुपरिटेंडेंट की है। ऐसे में जेल सुपरिटेंडेंट उसका जिम्मेदार है कि उनको पॉइजन किसने दिया। अब इसकी जांच जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पुख्ता कर दिया गया है कि मतलब पॉइजनिंग हुई है, अगर यह पुख्ता हो जाता तो बिसरा प्रिजर्व क्यों होता। बिसरा प्रिजर्व होता है तो उसमें तीन डब्बे में रखा जाता है अलग अलग। एक तो व्यक्ति की ब्लड रखा जाता है, एक व्यक्ति की किडनी रखा जाता है, एक व्यक्ति का जो है वो बिसरा रखा जाता है तीन डब्बे में। अभी उसकी जांच हुई ही नहीं तो कैसे लिख दिए कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है, तो फिर बिसरा प्रिजर्व क्या हुए। अभी तो उनकी काज ऑफ डेथ अनसर्टेन है, हेंस बिसरा प्रिजर्व, ये है रिपोर्ट। और मृत्युकालिक कथन जो अगर कोई मृतक, ये कानून है कि अगर कोई मृत्युकालिक कथन दे दिया मृत्यु पूर्व, जो अपने बयान मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने मऊ में दिया कि साहब हमको जहर दे दिया गया है और 20 तारीख को एप्लीकेशन पड़ी है मऊ में, रिपोर्ट मांगी गई है कि जहर दिया गया कि नहीं, तो देखिए रिपोर्ट देना और टाइप करवाना है तो भाई अधिकारी आप हैं, आप सर्वे शर्मा हैं, चाहे जो टाइप करवा दीजिए कि हार्ट अटैक से मरे हैं, उनको स्थिति पता चले कि आदमी की अब सांस टंगी है मर रहा है, आप लिख दीजिए कि हम ही लोग यहाँ रिपोर्ट मांगते हैं, तो लिख देते हैं कि उनका इलाज हुआ है वो बिल्कुल हो सकता है, इस प्रकार से हो सकता है स्वस्थ है। जब जेल से रिपोर्ट मांगिए तो यही आती है कि वो बहुत स्वस्थ है। नहीं नहीं, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि ऐसे टाइप करके इस प्रकार से रिपोर्ट को टाइप किया जा सकता है। हाँ, टाइप करके ही तो देते हैं, सुपरिटेंडेंट दस्तखत करके भेजते हैं और क्या। कोर्ट में जितनी रिपोर्ट आती है जेल सुपरिटेंडेंट टाइप करवा के दस्तखत करके अपना भेज देते हैं ईमेल से, रिपोर्ट थोड़ी आती है। जेल सुपरिटेंडेंट साहब टाइप करवा के दस्तखत करके भेज देते हैं तो वो बिल्कुल स्वस्थ है। यहाँ पे देखिए गाजीपुर के कुछ लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। चाचा जी क्या कहेंगे, मुख्तार अंसारी को मसीहा के रूप में देखते हैं या फिर माफिया मानते हैं? पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। जी जी, मैं जय प्रकाश चौरसिया, कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिला सचिव, और मैं एक शहर के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हकीकत को कहना बगावत नहीं, ना शब्द मुझे सुनने की आदत नहीं, जरा मुझको भी धूप में खड़ा हो लेने दो, ये धूप किसी की अमानत नहीं। फूल शबनम तलाश करती है, जखमरम तलाश करती है। माननीय चीफ ब्यूरो साहब, मैं कांग्रेस का वह कट्टर सिपाही हूँ जो कांग्रेस का हरगम तलाश करता हूँ। और रह गई आप मरहूम मुख्तार अंसारी जी की बात कर रहे हैं, तो मुख्तार अंसारी जी माफिया नहीं है, वो तो गरीबों के मसीहा थे। शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, कातिले ही मुजलिम है, कातिले सिपाही है। अगर गरीबों के मसीहा थे तो 65 मुकदमे दर्ज हो जाते हैं जिसमें 18 तक 65 मुकदमे होते हैं क्या? हमारे राहुल गांधी को तो 9 साल से ईडी जांच हो रहा है, उनको भी कहते हैं लोग की जमानत में हैं, परेशान करने के लिए ये सब है। क्या लगता है कि कैसे उनकी मौत हुई, कारण क्या मानते हैं आप लोग? उनके बड़े भाई साहब भी कह चुके हैं कि स्लो पॉइजन दिया गया है, और उनको हम क्यों हम अपराधी कहें? एक अपराधी होता है कि वो लूटता है तो अपने परिवार को बढ़ाता है, और एक अपराधी लूटता है तो वो जो है गरीबों को बढ़ाता है, गरीबों में दान देता है। तो अपराधी में भी दो प्रकार के होते हैं,
ये जब मुख्तार अंसारी को अपराधी कह रहे हैं तो बीजेपी में जो है बृजेश सिंह है वो क्या संत है? बृजेश सिंह क्या संत है? आप ही बताइए। चलिए यहाँ पे कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। चाचा जी आइए, इधर आइए भाई साहब। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है रतेंद्र मौर्य। मौर्य जी, मुख्तार अंसारी के बारे में क्या प्रतिक्रिया होगी? मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा थे। किस प्रकार से? अच्छे इंसान थे। मतलब कैसे मदद करते थे? किसी गरीब को भी शादी पड़ जाता था उनको उठा लेते थे, पैसे से शादी करा देते थे, हर मदद करते थे, बिरादर नहीं देखते थे। ठाकुर हो चाहे बाबन हो, चाहे मौर्य हो, चाहे खुशबाहा हो, चाहे यादव हो, कोई भी बिरादर के लिए वो काम अच्छे करते थे। 65-65 मुकदमे दर्ज हो जाते हैं ऐसे लोगों के ऊपर। अरे आप गांव में रहते हैं, अपने भाई से झगड़ा हो जाता है तो मुकदमा नहीं होता है? क्यों नहीं मुकदमा होता है? होता है ना। क्या मानते हैं मौत का क्या कारण क्या हो सकता है? मौत का कारण क्या, उनको सताया गया? जी। तो चलिए मित्रों, ये देखिए गाजीपुर से एक रिपोर्ट थी। गाजीपुर के लोगों से जब हम लोग बातचीत करते हैं तो इन लोगों का यही कहना है कि वो गरीबों के मसीहा थे और उनको सताया गया। इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।